नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक बैड लक और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। तो दुनिया में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके पास हो बेशुमार दौलत, जिसे पाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है। लेकिन अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके हाथ महज आती है तो वो नाकामी। अगर आप भी ऐसे ही लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं तो अब आप खुश हो जाइए, झूमिए, नाचिए, गाइए और वो सब कुछ कीजिए जो आप अब तक अपनी खुशी का इजहार करने के लिए करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे वाकिफ होने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। तो आइए अब ज्यादा समय जाया न करते हुए हम आपको इस तरकीब के बारे में सब कुछ तफसील से बताते हैं। दरअसल हम आपको इस रिपोर्ट में जिस तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है सट्टा किंग। जी हाँ, सट्टा किंग के जरिए अगर आप चाहे तो पलक झपकते ही करोड़पति बन सकते हैं। क्यों, चौंक गए ना आप? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सट्टा किंग खेला कैसे जाता है। तो आपको हम बता दें कि सट्टा किंग एक प्रकार का संभावनाओं के आधार पर खेला जाने वाला खेल है, जहां पर आपको किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष नंबर आने की संभावना व्यक्त करानी होती है। अगर किस्मत ने आपका साथ दिया और आपके द्वारा जताई गई संभावित संख्या वास्तविकता में तब्दील हुई तो यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ अतिरिक्त रकम बढ़ाकर दे दी जाएगी। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप गाजियाबाद में 9 नंबर आने की संभावना व्यक्त कराते हैं और अगर आपकी संभावना वास्तविकता में तब्दील हो जाती है तो आपको तय नियमों के मुताबिक आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ अतिरिक्त रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। लेकिन अगर आपके द्वारा जताई गई संभावित संख्या वास्तविकता में तब्दील नहीं हुई, यानी कि 9 की जगह कोई दूसरा नंबर आ गया, तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जिससे आपके द्वारा लगाया गया पैसा समझ लीजिए कि अब पानी में डूब चुका है। तो इस तरह से अब तक आप समझ गए होंगे कि इस खेल में संभावनाओं के साथ जोखिम भी है। तो आइए आगे हम आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो आपको बता दें कि जब संभावित संख्या वास्तविकता में तब्दील होती है तो इसे सट्टा किंग की दुनिया में विनिंग नंबर कहा जाता है, और विनिंग नंबर आने पर निवेशकों को अतिरिक्त रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने गाजियाबाद में 12 नंबर लगाया और अगर अगले दिन 12 नंबर ही आ गया तो ये आपके लिए विनिंग नंबर कहलाएगा। ऐसी स्थिति में निवेशकों की लॉटरी लग जाती है। चलिए अब हम आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ।